पासपोर्ट आ गया। खुशी पासपोर्ट फट गया। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं। सौरभ तुम्हारी? नहीं। गुजराती जो मेरा पति है, एक गुजराती लड़की से शादी करना चाहता था, इंटर कास्ट। सॉरी गाइस। मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू आवर चैनल LOL। थैंक यू सो मच हमारे सारे वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए। सो गाइज, बारिश हो रही है, हर मॉर्निंग इतनी अच्छी होती है कि मज़ा आ जाता है लेट उठ के। कल रात को मुझे मैसेज आया था इंडिया के नंबर वन ब्लॉगर, यूट्यूब ब्लॉगर सौरभ जोशी का, कि भारती दीदी मैं मुंबई में हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं इतनी खुश हो गई, मैंने बोला ठीक है भाई आ जाओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो आजकल के यंग लड़के आगे बढ़ के कुछ करते हैं अपने बलबूते पे। सो, बहुत मेहनती, बहुत नेचुरल लड़का है, बहुत हार्ड वर्किंग लड़का है। सो, आज हम सौरभ जोशी से मिलेंगे लाइव, देखते हैं कि वो लाइव में कैसा है। ठीक है भाई, तैयारी करते हैं, शाम को आ रहे हैं वो लोग। हाय गाइस, सो फाइनली वो डे आ गया है और मैं वैसे ही ऐसे तैयार होके नहीं रहती, मैंने वैसे ही लिपस्टिक ट्राई कर रही थी और नीचे से फोन आया कि डाक बाबू आए हैं पासपोर्ट लेके। मैं नहीं मानता। यस, गोले का पासपोर्ट आ गया। तो चलिए देखते हैं, बेल भी बज गई है। पता क्या लाए हो? ये आपका पासपोर्ट है, लक्ष्य हर्ष लंबा जी। खुश हो गई दादा, आपने मुझे खुश कर दिया। और इसके डैडी को भी बुलाया? हाँ, साइन लगेगा ना उनका भी। हाँ, साइन लगेगा। क्या मानी अकेली? उसके नाम पे ना पासपोर्ट होता है ना, इसका मतलब उसका भी उतना ही बच्चा जितना मेरा है। को पता है कि ये बाप के बिना नहीं हो सकता। किसके बिना नहीं हो सकता? पिता की कितनी जरूरत होती है। चलो हट जा बेटा। एक माँ की भी उतनी ही जरूरत होती है जितनी पिता की। बच्चे का पासपोर्ट आ गया दादा, इतनी खुशी मुझे। मेरा दिल कर रहा है मैं ना ऐसे कर लूँ आप, मतलब खुशी से। हाँ हाँ जरूर, फोटो वीडियो रील क्या बनाना है बताओ, किस गाने से फोटो आपकी दोनों में। ओके, क्या बात है। यस, सो दोस्तों हमारे गोले का पासपोर्ट आ गया है। गोली का पासपोर्ट आ गया। इस बार पे मैं डांस करना चाहती हूँ हर्ष। हाँ नाच। ताली बजा। तारी बसी कट गया सी कट के ले अंदर कोट। तारी बसी कट गया सी कट के ले अंदर कोट। साढ़े गोले आ गया पासपोर्ट, साढ़े गोले बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे। अरे गुजराती में गा दे कोई। मारो गोलो को आ गयो पासपोर्ट। मारो दी करो मारा दिकरा लो पासपोर्ट आ भी गयो। सो गाइस, पासपोर्ट आ चुका है और बस आज ही चेक किए, टिकट महंगे हो गए हैं। जैसा कि मैंने बोला था, मैं अगले दिन ही निकल जाऊंगी। मैं निकल जाऊंगी देखना, बस अभी हम आपको गोले का पासपोर्ट दिखाते हैं। मैंने गोले का पासपोर्ट भगवान जी के पास रख दिया था, तो अभी हम खोल रहे हैं। ओह शिट, पासपोर्ट फट गया। चल यार, चल खोल, ये सब जोक्स मत कर। डर गया था, थोड़ा बच्चा भी इसके लिए ऐसा कर दिया। इसका तो प्रॉपर वाला है, मेरे को लगा ये बच्चे का है तो ऐसा छोटा सा पासपोर्ट आएगा। भारत माता की जय, अब ये भारत का एक असली नागरिक है। नागरिक ही होता है ना, नागरिक है। सो ये गोले का पासपोर्ट है, मैं आपको बताऊंगी कैसे है। ये है हमारा गोला और ये उसका छोटा सा थंब। सो गाइस, अभी आपको बताना है कि गोले की पहली फ्लाइट कहाँ होगी। पासपोर्ट आ चुका है। सो गाइस, जिनका हमें कल से परसों से काफी दिनों से इंतजार था और वो आ गए हैं, एक हैंडसमली, दो हैंडसमली, तीन हैंडसम लड़के जिन्होंने हमें आते ही हाय हेलो नहीं की, सीधा उन्होंने ये किया है। ये देखिए, बहुत ही बुरी हालत में, दो समोसे, ये फटा हुआ बड़ा, ये टेढ़े मेढ़े काजू, ये रूठी हुई सैंडविच, ये बिखरी हुई मिर्चें और ये हैंडसम तीनों लड़के साहिल, सौरभ और शुभम। शुभम संगीत की दुनिया के बहुत बड़े जाने माने एक अभिनेता नहीं है, वो एक आम लड़कों की तरह हैंडसम लड़का है। शुभम अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा,
सौरभ तुमको पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुमने हल्द्वानी जहाँ भी तुम एक्सप्लोर करोगे तुम बोलना मैं भारती से मिला, पर वो इतनी पतली है ऐसे बताएगा जब तुम्हें खुद यकीन नहीं हो रहा। और ये टीवी पे बार बार बोलता रहता तुम्हारी गर्दन कहाँ है, तुम इतने हार कहाँ पहनोगे, है ना मेरी गर्दन सौरभ भाई, सौरभ ही चुप नहीं, दीदी डब्बे अंदर रखो। ये बच्चा जो हमको देख रहा है यहाँ पर, ये जो हमको देख रहा है, हमारी बातें सुन रहा है छुप छुप के, ये जो हलवाई का सारा सामान आया इनकी पापा की दुकान से आया है, ये है हमारे नथ्रू हलवाई के बड़े बेटे ब्रिजलाल हलवाई, और ये है उनकी दूर की जापा जलेबी भाई, जलेबी 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 भाई, जलेबी भाई, जलेबी भाई, जलेबी भाई। कपड़े उन्होंने लड्डू वाले पहने हैं। आओ यार बैठे इधर। तो दोस्तों मैं साहिल, शुभम और सौरभ से पूछ रही हूँ, कितनी देर से बार बार हर बातों के बीच में मैं छोटी सी एक बात डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे ना जानने का बड़ा शौक होता है कि जो लड़की अकेले घूमती है इनकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं। जब भी मैं पूछती हूँ गर्लफ्रेंड है कि नहीं, तो तीनों में से एक ही बंदा हंसता है, और फिर अगली बार पूछती हूँ फिर दूसरा वाला हंस पड़ता है। अब ये समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज कर दिया इन तीनों हल्द्वानी के लड़कों ने कि इनकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं। पर मैंने इनको अभी एक टास्क दिया है कि मैं क्या, मैं तुम्हारी तरफ कैमरा करूँगी और मैं पूछूंगी तुम में से जो ज़्यादा हंसेगा उसकी पक्का गर्लफ्रेंड होगी। और जहाँ जहाँ से ये होकर आए ना, जैसे अमृतसर, दिल्ली, हल्द्वानी या फिर जयपुर, उदयपुर, गुजरात, तो रास्ते में कहीं तो है ही, और मुंबई, ये सारे शहरों के नाम लेना और जिस शहर पे हंसी निकली। मैं ये भी बोलूंगी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड इस शहर में है, तो अगर तुम हंसे तो तुम वो सच होगा। अच्छा शुभम, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है हल्द्वानी में? नहीं। अमृतसर में? पूरे हंसी जा रहा है हल्द्वानी का ही, चलो जी एक शहर का नाम ले रहे, सब में हंसी जा रहा है, सब में एक एक है। अमृतसर? दिल्ली? दिल्ली? जयपुर? दिल्ली? जयपुर? उदयपुर? मार्स? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। उदयपुर? गुजरात? बॉम्बे? डाउटेबल लगता भाई, दो दिन में ही हुआ किसी से प्यार। हाँ साहिल, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं। सौरभ तुम्हारी? नहीं। चलो अभी शहरों के नाम बोलेंगे, कितना प्यारा क्यूट ही बन गया, कहता नहीं। ओके दिल्ली? साहिल तुम उसको क्यों देख रहे हो भाई, तुम्हारा भी है। हल्द्वानी? दिल्ली? अमृतसर? उदयपुर? जयपुर? गुजरात? महाराष्ट्र? मुंबई? एक ही खिलाड़ी है भारतीय में से, कौन? क्या करूं ओ लेडीज मैं हूं आदत से मजबूर। और दोस्तों जोशी फैमिली के दोनों लड़के हार चुके हैं, और जीता है उनके दूर के रिश्तेदार का लड़का जिसका नाम है शुभम जोशी। तो तुम्हारी भाई जगह जगह गर्लफ्रेंड है, ये दोनों लड़के शरीफ हैं, इनका आगे चल के ये किसी मंदिर में सेवादार बनेंगे, देख लो है ना। वेरी गुड, तुम हार चुके हो शुभम, तुम्हारा दुनिया को पता चल गया असली चेहरा। सो लड़के बड़े पक्के निकले यार, ये दोनों भाई बहुत पक्के निकले, कसम खा। मुझे पूछ। तुम बताओ हर्ष, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मैं शहरों के नाम बोलूंगी और जिस जहाँ हंसी निकली वहाँ पे तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी। ठीक है, मैं तो तुम्हारा करने वाली भी नहीं थी, तुम अपने ऊपर क्यों करवा रहे हो? मैं बस ऐसे ही जाना। अच्छा चलो ठीक है, मेरी कहाँ कहाँ है, चलो कहाँ कहाँ, ठीक है। अमृतसर? दिल्ली? उदयपुर? जयपुर? गुजरात? अरे 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 जिगना बहन, कहीं ऐसा तो नहीं अब तुम अपनी नकली घरवाली से असली प्यार करने लगे हो? नहीं नहीं, तुम गुजरात में हंसे हो हर्ष, मैं नॉर्मली हंस पड़ा हूं। अब मुझे पता चला कि ये गुजराती जो मेरा पति है, ये किसी गुजराती लड़की से शादी करना चाहता था, इंटरकास्ट। सॉरी गाइस, ये अगर हमारे घर में बैठे हैं तो इनका दिमाग हम खराब करते रहेंगे। ये हमारा है बच्चा गोला, और ये तीनों हमारे दोस्त बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं बड़े वाले से पूछूंगी जिसकी उम्र है कितनी, 23 साल, 23। ये कितने महीने का बच्चा लग रहा है? आपका समय शुरू होता है अब, 7 महीने, हम बाद में बताएंगे। ओके साहिल? 6-7। सौरभ? 4 महीने। सौरभ एक बहुत ज्यादा स्मार्ट आदमी है, उसको एग्जैक्टली पता है
ये 4 महीने का, ये 4 महीने का हो चुका है और यहाँ अब सौरभ ही रह सकता है। आप दोनों को इजाजत दी जाती है। दीदी गेट खोलो और दोनों को नमस्ते करो। सौरभ तो जब हम आए थे आपने खुद बताया था, आपके मुंह से निकला था एक बार। तुम्हें याद है? इन दोनों को क्यों नहीं याद? इन्होंने गौर नहीं किया होगा ना भाई। वो जो हमारा समोसा वड़ा पाव खाया है उसका कैश पेमेंट देके जाओ। इसने तो बहुत ज्यादा 6-7 बोल दिया। शुक्र करो इसने ये नहीं बोला कि अगले हफ्ते इसकी शादी है। सच में यार, मतलब कहते ना कि जो दिखते हैं वो उनकी ना वीडियो में पता चल जाता है। मैंने आते ही सौरभ को बोला कि ये बंदा कौन है, ये कौन है, क्योंकि वीडियो में ही पता चल जाता आप कितने पॉजिटिव हो। और सौरभ ने आते ही हमारे पैर छुए तीनों ने, और जाते वक्त भी यार वेरी गुड। मुझे सच्ची में मिलके सौरभ, शुभम और साहिल मुझे बहुत अच्छा लगा आप तीनों से मिलके। इनसे तो चलो ठीक है, सच्ची आया मजा, कसम का आपको देखते थे बचपन से, आपसे मिल पाएंगे। ड्रीम था, आपसे मिला, ड्रीम था, ड्रीम पूरा हो गया। अब मेरा ड्रीम है हल्द्वानी आके आंटी के हाथ का खाना खाना और सौरभ के साथ पहाड़ों में जाना, ऐसे शीशे से निकल के वो क्या पकड़ते हैं, सेल्फी स्टिक पकड़ के मैगी भी खानी और बर्फ में, और ऐसे वाले वो सब्जी थी ना कौन सी, वो नाम नहीं लेना आ रहा, लियुणे वो खाने, लियुणे जब तक जीवने रहे तब तक लियुणे खाएंगे। बस जा रहे हो, थैंक यू, बाय, थैंक यू, जल्दी आना पूरी फैमिली को लेके। गुड मॉर्निंग गाइज, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कल का दिन बहुत हैप्पी हैप्पी वाला दिन था। कल एक तो गोले का पासपोर्ट आ गया फाइनली और हम घूमने जाएंगे, और दूसरा कि हमारा इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर, यूट्यूब ब्लॉगर सौरभ जोशी हमारे घर में आया था। हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, सब ने बहुत बातें की, बहुत मस्ती की, बहुत हंसे, बहुत हल्द्वानी की बातें सुनी, थोड़ी मुंबई की बातें बताई, अमृतसर की बताई, तो बहुत मज़ा आया। ये 3-4 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। कल सोने में भी थोड़े लेट हो गए थे इसीलिए मैंने बाय बाय वीडियो बनाया ही नहीं था, बट बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सौरभ, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो थैंक यू सो मच हमारे घर आने के लिए और हमें इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। एकदम सिंपल लड़का है, बहुत हार्डवर्किंग है, फैमिली बहुत सिंपल है और बहुत नेचुरल लड़का है। सो गॉड ब्लेस यू सौरभ, शुभम एंड साहिल। बस जल्दी मुंबई आओ, फिर से मिलते हैं दोबारा, अपनी फैमिली के साथ आना, बहुत बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच हमारे सारे वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए। बस ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, प्यार देते रहिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो यार सब्सक्राइब कर लो, कर लो। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।